तीनों लोकों के रचयिता त्रिनेत्रधारी, जिनका ना है कोई आकार, जो है निरंकारी, बैठे हैं हिमालय के ऊंचे पर्वतों के बीच, जो करते हैं नंदी की सवारी। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए ये सफर शुरू होता है सगर विलेज से, जहां मैं 17 घंटे का सफर करके बारिश की बूंदों के बीच पहुंचता हूं सगर विलेज, और नेक्स्ट डे ट्रैक की शुरुआत करके घने जंगलों के बीच से होते हुए 12 किलोमीटर ट्रैक करके पहुंचता हूं ल्यूटी बुग्याल, जहां नाइट स्टे करके आज सुबह हम निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो आज हमें करना था 10 किलोमीटर ट्रैक। वेलकम टू रुद्रनाथ ट्रैक, जहां आगे पानी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो पानी भरकर हम निकल पड़ते हैं सूर्य देवता को पहाड़ों के पीछे से निकलता देखने की आस में। तो ट्रैक स्टार्ट हो चुका है एंड वी जस्ट हैव टू क्लाइंब। तो थोड़ा सा ठंड भी ज़्यादा है, मिलते हैं लोग ऊपर जाके, पहले इस लोग को कंप्लीट कर लेते हैं। हल्की हल्की है सनराइज की जो है रोशनी आने लगी है, काफ़ी ऊपर आ गया, और 11,000 फीट की हाइट पर होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर सुबह के 4 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया, ये एंड टेम्परेचर लिटरली 7 डिग्रीज है। मैं घर से कोई भी गर्म कपड़े नहीं ले गया था सिवाय एक जैकेट के, मैंने टेम्परेचर देखा था तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था, बट मैंने ये रेनकोट पहना है तो इस काफ़ी कवर अप हो रखा है और पसीना आने लगा है। बट ये मिस्टेक आप कभी मत करना, बाहर का टेम्परेचर अगर लो है और आपने कपड़े पहने हुए और अगर आपको जो है पसीना आ रहा है तो कपड़े निकालने की गलती ना करें, उससे जो है आप बीमार पड़ सकते हो। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी, रास्ते में मिलते रहेंगे थोड़े थोड़े ब्रेक पे, क्योंकि कोशिश है कि सनराइज जो है इस टॉप के ऊपर से ही बैठ के देखें। और अपने इस एक घंटे के छोटे से ट्रैक को करने के बाद हम पहुँचते हैं पनार बुग्याल। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम पनार बुग्याल आ चुके हैं, सनराइज हो ही रहा है एंड मैं अभी जिस लोकेशन पर ना, मेरे सामने जो व्यू है बाय गॉड जस्ट लुक। और अब समय था सूर्यदेव को नंदा देवी पर्वतों के पीछे से निकलते हुए देखने ये का। नंदा देवी नेशनल पार्क माउंटेन्स है, इसी में त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत एंड इधर ये जो दिख रहा है ये एंड दिस इज द हाथी पर्वत। हमें अभी टॉप पे जाना है, मेरा चेहरा देख सकते हो, मतलब सूरज की जो रेडिश है वो मेरे फेस पे दिख रही होगी, तो मिलते हैं वहीं पे चल के। तो पहाड़ों के बीच जाके सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट देने वाला जो दृश्य होता है वो सुबह को निकलता हुआ रेडिश सनराइज होता है। And here we are. और शायद यही लम्हा होता है जिसको मैं जीने के लिए जाता हूँ पहाड़ों में, और इस बात की खुशी आप सुबह के बजते इस अलार्म से लगा सकते हैं, जो शायद घर रहते कभी मेरे को अलार्म का पता नहीं चलता है, बट पहाड़ों में जाते ही नींद मानो झट से गायब हो जाती है। तो अभी हमें पनार बुग्याल में, और ये जो भी आपने सनराइज के जो व्यू देखे होंगे ये पनार बुग्याल से है, ये पूरा पनार बुग्याल है, ये फॉरेस्ट कैंप है एंड जस्ट वी हैव टू हाइक दिस। अभी सनराइज हो रहा है, हमारे पीछे सनराइज हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं टॉप पर पहुँचूँ और वहाँ से सनराइज और अच्छे से दिखा सकूँ और खुद भी देख सकूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। और देखते ही देखते अंधेरे की चादर सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ हटती जा रही थी और उसके साथ साथ निखरती जा रही थी यहाँ की खूबसूरती। हल्की हल्की रोशनी पहाड़ों से आने लगी है एंड इस पर्वत पे तो रोशनी दिख भी रही है, तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं आगे, कोशिश करते हैं जितना कवर अप कर सकते हैं सूरज निकलने से पहले। ये ट्रेल है, इसको ऐसे फॉलो करके जा रहे हैं, वो जो बड़ा सा पर्वत दिख रहा है वहाँ तक जाना है।
उसका आगे देखते हैं। जहाँ पर आसपास के पहाड़ों की चोटियाँ एकदम मोती जैसे चमक रही थी। जो सन जो बाहर आने ही वाला है, क्लाउड ने कवर किया हुआ उसको अभी। अभी जो हम अपने ट्रैक के पहले पड़ाव को क्रॉस कर चुके हैं और अभी जो आगे पड़ाव होने वाला है, जो ये मेडो जस्ट लाइक बहुत ब्यूटीफुल है। और ये पहला पड़ाव है, अभी तो खूबसूरती बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। और ये मेरी लाइफ। एंड ये ट्रेल फॉलो करके जाना है आगे। मेरे कैमरा की बैटरी जो है दोनों ख़त्म हो चुकी हैं, एक बैटरी बची है उसका मुझे नहीं पता वो भी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि नज़ारे कम दिखा पाऊँ, जहाँ जहाँ मुझे सही लगेगा वहाँ वहाँ कैमरा ऑन करते हैं, उसके बाद आगे फॉलो करते हैं। और बता दूँ, ये जो ऊपर वाला जो सबसे ऊँचा पर्वत दिख रहा है इस वाले ट्रैक में, ये और ये, इसको भी क्रॉस करके हमें जाना है आगे। तो आगे एक जगह पड़ती है पित्रधार, तो कोशिश करूँगा के पित्रधार पे मिलते हैं आपसे। अगर उससे पहले कोई व्यू दिखता है तो फॉर श्योर आई विल शो यू, बट लेट्स सी, वहीं मिलते हैं। और स्वर्ग से दिखने वाले ये खूबसूरत रास्ते इस बात को प्रमाणित कर रहे थे कि यहाँ महादेव जरूर ही आए होंगे। वैसे तो महादेव इन हिमालय पर्वतों के कण कण में विराजमान है, परंतु यहाँ एक विशेष मान्यता है क्योंकि यहाँ दिए थे महादेव ने पांडवों को अपने मुख के दर्शन। तो ये ट्रेल फॉलो करके, यहाँ से ये ट्रेल फॉलो करके ऐसे, और वो सामने जो बोर्ड दिख रहा है वहां पे हमको जाना है। एंड ये मैं हूँ, ये जो घास है ये इन माउंटेन्स को बहुत खूबसूरत बना दे रही है। और इनको सबसे सही एडवांटेज ये था, अभी कुछ दिन पहले मतलब 2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, जिस दिन मैं आया था उस दिन भी बारिश हुई है। तो मेरे को बस यही था कि मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो ये जो बुग्याल है ना, ये मुझे हरे बुग्याल मिले, क्योंकि अभी 18 मई को जो है बाबा रुद्रनाथ जी की डोली गई थी ऊपर, तब ये पूरे बुग्याल जो है एकदम ड्राई हो रखे थे स्नो की वजह से, बट लकीली मेरे को सारे बुग्याल ग्रीन ही मिले। और आप इसे चाहे इत्तेफाक माने या महादेव का प्यार, क्योंकि मैं जो भी सोच के यहाँ पर आया था वो सब कुछ हो रहा था, उसमें चाहे माता जी का फिर से मिलना हो, यहाँ बारिश का पड़ना हो, या इन घास के हरे मैदानों का मिलना हो। इन बुग्याल के जितने मैं शॉट क्लिक करूँ उतने कम लग रहे हैं मेरे को। और अगर कैमरे में दिख सकता है तो यहाँ पे ईगल बैठा है, ये धूप सेक रहा है सुबह की, इस वाले रॉक पे जो है ईगल बैठा है। यहाँ पे कैमरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें जूम नहीं होता है। और जिस बोर्ड की हमने बात कर रही थी उस बोर्ड पे हम आ चुके हैं, इस पे कुछ दिशा निर्देश लिखे हुए हैं, इस पे लिखा है आप हिमालय के मनोरम बुग्याल में हैं, ये बुग्याल पारिस्थितिक की दृष्टिकोण से अति संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ पे जो फ्लैग दिख रहा है, वो जो झोपड़ी है वहाँ से स्टार्ट किया था, एंड वहाँ से ये ट्रेल फॉलो करते हुए, ये ट्रेल फॉलो करके यहाँ से आ रहे हम लोग, यहाँ से ये ट्रेल फॉलो करते हुए यहाँ से थोड़ा ये जाते हुए वहाँ को जाना है, ये पर्वत क्रॉस करना है। समुद्र तल से 10,000 फीट से 13,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड घास के मैदान को कहा जाता है बुग्याल, जो विंटर्स में स्नो कवर्ड रहते हैं, पर समर्स आने के बाद इनको मिलती है एक नई जिंदगी और ये बुग्याल फूलते फलते हैं, ये हरे भरे घास और डिफरेंट तरह के खूबसूरत फूलों से। फिर से एक बाज दिखा है, ईगल, जो आगे से पिंक केसरिया साइड में है और ये धूप सेक रहा है। और यहाँ से हमें करना था 2 किलोमीटर का ट्रैक
इस ट्रैक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो कि लोकेटेड है 4000 मीटर की हाइट पर और जाना जाता है पितृधार के नाम से। अभी जो है इस पर्वत ने जो है सूरज की रोशनी आने से रोक दी है, तो इधर की साइड एकदम से ठंड हो गई है। पहला तो पॉइंट ये है पितृधार तक पहुंच जाए, क्योंकि वही हमारा आज का पहला स्टॉप भी होने वाला था। और इस पॉइंट पर रुकने की एक दूसरी वजह थी कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अपने पितरों के लिए पूजा की जाती है। सामने है पितृधार, तो वहीं पे हमारा स्टॉप होने वाला है। धीमे धीमे चलते हैं, धीमे धीमे चलते हैं। तो ये सुविधा यहाँ पे भी उपलब्ध है, क्या ही कहें। एंड अभी हम जस्ट पितृधार पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। और ये वाला जो ट्रेल है, ये वाला ट्रेल अभी तक का इस पूरे ट्रैक का मेरा सबसे पसंदीदा ट्रेल है। और यहाँ से दिखता है नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत का एक मनमोहक दृश्य और महादेव के और ज्यादा करीब होने का एहसास। और यहाँ पर बदलते इस मौसम में ये बहते हुए बादल इन सुंदर पहाड़ों को कब अपनी चादर में ढक लेते हैं, जिससे ये दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। और इन्हीं दृश्यों के बीच जाती है ये थोड़ी खतरनाक ट्रेल, जिन्हें मैं बड़ी सावधानी पूर्वक क्रॉस करता हूँ, क्योंकि आए तो खैर हम बाबा महादेव की नगरी में ही हैं। ट्रेल यहाँ से नीचे जा रही है और यहाँ से घूम के ऐसे फिर नीचे मंदिर है। वहाँ पर जो झोपड़ी दिख रही है वहाँ पर रुकेंगे कुछ खाने के लिए। एंड ये है वो पॉइंट जहाँ से दिखती है पहली झलक बाबा रुद्रनाथ की। लेट्स सी, वहाँ पे है बाबा रुद्रनाथ। मैं पूरे ट्रैक पूरे रास्ते में ही सोच रहा था मैं स्टीफन को लेके क्यों आया हूँ, मैंने कुछ यूज तो करा नहीं इसका। बट यहाँ आके अचानक से लगा के मतलब थोड़े से फूल तोड़ लिए जाते हैं, तो सोचा रखूंगा किसमें, वहां तक तो मुरझा जाएंगे। फिर याद आया कि मैं घर से टिफिन लेके आया हूं। मोमेंट है भाई। कुछ चीजें हमारी लाइफ में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जैसे इस टिफिन का लाना, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे यहाँ फूल मिलेंगे और उनको मैं इस टिफिन में लेके जाऊंगा महादेव को अर्पित करने।
क्योंकि मैं पूरे ट्रैक पर जब भी बैग से कुछ निकाल रहा था तो इस टिफिन को देख के सोच रहा था कि मैं इस टिफिन को लाया क्यों हूँ। इतने फूल तोड़ लिए हैं, अब चलते हैं आगे, जो होगा देखा जाएगा। वैसे ना वहाँ पे है। और मंदिर से कुछ पहले मुझे मिलता है एक ऐसा सरप्राइज जहाँ खाली पड़े ये घास के मैदान सजे थे इन खूबसूरत छोटे छोटे फूलों से, जहाँ मैं इनके बीच अपने आप को थोड़ा टाइम बिताने से रोक नहीं पाता हूँ। और जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक इस बुग्याल पे फूल ही फूल खिल रहे हैं। तो इस ट्रैक पे और कुछ मिले या ना मिले, यहाँ पे जो वेदर है, नेचुरल ब्यूटी है, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे कब कौन से मोड़ पे किस तरह का आपको नेचर का नज़ारा देखने को मिले। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है और मेरी ओपिनियन में ये सही भी है। तो बस इतना ही, ये था इसका अंतिम पड़ाव। अगर कुछ कहना होगा तो मिलते हैं अभी।